हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग आई एम प्रेरणा यू होम साइंस मेटोर आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट मेरी आज की क्लास में सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपको एक डेमो क्लास मिलने वाली है यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों को ये पता चलेगा कि थियोरी प्लस एम हम लोग कैसे करते हैं तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे एक नए टॉपिक की टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है काफी अच्छा टॉपिक है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये आपके हर एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा चाहे वो आपका बिहार का एग्जाम हो टी जी एग्जाम हो डी ट्रिपल एस एग्जाम हो यानी आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और थोड़ा सा साइंटिफिक so, टॉपिक तो आज मैं आपको कोशिश करूंगी कि इस को आपके लिए काफी बना के मैं आपको, आ, समझाने की कोशिश करूं और आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन में आए वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए एंड जो भी टॉपिक मैं आपको कराऊं ये इस टॉपिक के सारे विद एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगी प्लस कल इसके एमसीक्यू आपको कराऊंगी तो आज आपको ये टॉपिक जब आप पढ़ोगे कल आप इसके एमसीक्यू करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा सो so, चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं इस टॉपिक को एंड पढ़ना शुरू करेंगे स्टूडेंट टॉपिक का नेम आपका यहां पे मेंशन है टॉपिक का नेम रहने वाला है माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज जहाँ पे आप क्या बात करेंगे कि उदाहरण के साथ सूक्ष्म जीवों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद एग्जाम्पल सो आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं आज आज आप पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि आपके फूड को स्पॉइल करने वाली चीजें कौन कौन सी होती हैं। प्लस स्पॉइलेज जो होता है जिनकी वजह से होता है वो कौन-कौन से प्रकार के बैक्टीरिया यीस्ट मोल्ड या फिर आपके वायरसेस होते हैं कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं जो food spoil है, आपके फूड को स्पॉइल करते हैं आपके फूड के स्पॉइल होने के बाद आपके फूड में क्या परिवर्तन आता है क्या चेंजेस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं एंड समथिंग अच्छे से सो माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज आज हमें पढ़ना है विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि वो विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं देखिए समझेंगे अच्छे से ध्यान से इसको देखेंगे क्या चीज यहाँ पे मेंशन है फूड स्पॉयलेज इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस आपका जो ये फूड स्पॉयलेज होता है भोजन का जो खराब होना होता है ये क्या होता है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है एक तरीके का भोजन का खराब होना एक चयाचयी प्रक्रिया होती है हर चीज़ को मैं अंडरलाइन करूंगी ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा हर चीज़ को मैं अंडरलाइन करूंगी एंड आप लोगों को बताऊंगी और आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ठीक है एंड ये जो क्लास है ये पैलली चल रही है स्टूडेंट टीचर्स अड्डा पे भी जा रही है एंड टीजीटी पीजीटी अड्डा पर भी जा रही है दोनों जगह आपकी ये क्लास शो हो रही है तो आप लोग दोनों जगह इस क्लास को देख सकते हैं ओके चलिए आगे ध्यान से देखिएगा सो आपका फूड स्पॉयलेज एक तरीके का क्या है स्टूडेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है यानी कि भोजन का खराब होना एक तरीके का क्या है मेटाबॉलिक प्रोसेस है ओके That causes food to be undesirable or unacceptable for human consumption due to change in sensory characteristics. अब इस बात का मतलब क्या है कि जो में परिवर्तन के कारण जो किस में चेंज होता है स्टूडेंट जब हम भोजन को देखते हैं कि भोजन क्या हो गया है स्पॉइल हो गया है सो so भोजन के स्पॉइल होने से जो उसमें परिवर्तन होते हैं वो उसके सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में होते हैं ओके okay, ये ध्यान रखेंगे वो परिवर्तन कहाँ पे हो रहे हैं वो परिवर्तन हो रहे हैं उसके सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में यानी कि संवेदी विशेषताओं में और जिसकी वजह से जब वो परिवर्तन हो जाते हैं तो आपका खाद्य पदार्थ जो होता है मानव उपभोग के लिए क्या हो जाता है अनएक्सेप्टेबल एंड अनडिजायरेबल हो जाता है ठीक है ना तो ध्यान रखिए जो आपका भोजन है वो कैसा हो जाएगा ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनडिजायरेबल हो जाएगा एंड आपका कैसा हो जाएगा अनएक्सेप्टेबल यानी कि अब वो आपका भोज्य पदार्थ मनुष्य के उपभोग के योग्य नहीं रहता ठीक है और आपका जो मनुष्य के लिए वो वो भोजन अगर हम खाने की सोचे भी तो वो क्या हो जाता है अवांछनीय परिवर्तन उसमें हो जाते हैं और वो आपका भोजन अस्वीकार्य बन जाता है तो ये चेंज होता है बेसिकली जब आपका फूड स्पॉइल होता है ठीक है बहुत आराम से समझेंगे साइंटिफिक टॉपिक है बेसिक टॉपिक है बट अच्छा टॉपिक है ठीक है ना सो so, फूड स्पॉयलेज होने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं आपके फूड की सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में और वो आपके भोजन को अनडिजायरेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बना देती है कि आप उसे उपभोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो आपके उपभोग के योग्य रहता ही नहीं है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड आगे ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्या आता है स्पॉयलेज ऑफ फूड इज आइडेंटिफाइड बाय ऑफ कलर्स ऑफ ऑर्डर सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड स्लाइम प्रोडक्शन अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं आपके फूड के स्पॉइल होने की तो अगर फूड स्पॉइल हो जाता है आपका जो भोजन है जब वो क्या हो जाता है स्पॉइल हो जाता है भोजन आपका खराब हो जाता है तो कैसे आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑफ कलर ऑफ ऑर्डर सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट एंड स्लाइन प्रोडक्शन यानी कि अगर आपका फूड जो है वो खराब हो गया है spoil हो गया है, ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा यस सोनम पाठक जी ये ऑल टीजीटी पीजीटी के लिए आपके लिए यूजफुल है एंड कंटेंट सिमिलर है ओके चलिएगा सो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या चीज मेंशन है स्टूडेंट की जो आपका फूड स्पॉइल हो जाता है तो उसकी पहचान भी तो होनी चाहिए ना जो आप उसे खा ना पाओ अगर आपको पता चल रहा है किसी चीज को देख के कि वो फूड आपका स्पॉइल हो गया है तो आपको फिर उसे खाना नहीं चाहिए कैसे पहचानोगे कि फूड खराब हो गया है इसके लिए आप क्या करोगे आप उसको जब देखोगे तो आपकी उसके कैरेक्टर में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे वो चेंजेस क्या हो सकते हैं स्टूडेंट जैसे पहला चेंज हो सकता है कि वो ऑफ कलर का हो जाए यानी कि मान लीजिए उसका कलर जो है वो बिगड़ जाए ठीक है वो आपका अजीब सी दुर्गंध उसमें से आने लगे ठीक है वो काफी सॉफ्ट हो जाए काफी नरम हो जाए जो आपकी वेजिटेबल है फ्रूट है वो सॉफ्ट हो जाए एंड स्लाइम प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपका जो फूड है उसमें एक लेस डेवलप हो जाए लेस समझते हो ना चिपचिपापन है ना तो वो आपका एक जो लेस वाला एक फॉर्मेशन है वो उसमें हो जाए तो इन सारी चीज़ों से आप क्या समझ सकते हैं कि आपका जो फूड है वो स्पॉइल हो गया है सो so ये कुछ चेंजेस हैं कि जब आपके कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके भोजन में इंसर्ट हो जाते हैं चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो चाहे वो आपका मान लीजिए कुछ भी मोल्ड फंगस ईस्ट कुछ भी हो अगर आपका इनमें से कोई भी चीज़ भोजन में प्रवेश करती है सो so ये परिवर्तन ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं ओके okay, आगे देखिएगा स्पॉइलेज में अराइज फ्रॉम इंसेक्ट डैमेज फिजिकल डैमेज एंड इंडिजिनियस एंजाइम्स एक्टिविटी इन फूड और बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस इन फंगी सो आपका जो भोजन खराब होता है उसके ना मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं ओके okay? ये ध्यान रखिएगा जो आपका फूड स्पॉइल होता है देर आर मल्टीपल फैक्टर फैक्टर क्या हो सकते हैं स्टूडेंट कि मान लीजिए कोई कीट आपके भोजन में प्रवेश कर जाए किसी तरीके की क्षति आपके भोजन में कीट की वजह से हो जाए कोई भौतिक क्षति हो जाए यानी कि कोई फिजिकल चेंजेस हो जाए ठीक है ना भोजन में जो सूक्ष्म जीव है जैसे कि आपके कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस है ना कवक ये आपके भोजन में मिल जाए ठीक है ना या कोई भी माइक्रो ऑर्गेजम अदर इसके अलावा आपका आपके फूड में इंसर्ट हो जाए इसकी वजह से क्या होता है आपका फूड स्पॉइल हो जाता है सो बेसिकली फूड के स्पॉइल होने के डिफरेंट कारण हो सकते हैं कुछ इंडिजिनस फैक्टर हो सकते हैं यानी कि इंडिजिनस का मतलब क्या होता है जो अंदर हो रहे हैं फूड के अंदर क्या होते हैं फूड के एंजाइम एक्टिविटी याद रखिएगा जो फूड के अंदर क्या होते हैं परिवर्तन होते हैं जिनको हम इंडिजिनस फैक्टर कहते हैं जिनकी वजह से फूड खराब होता है वो क्या होते हैं आपके एंजाइम एक्टिविटी होते हैं और एंजाइम एक्टिविटी की वजह से आपका फूड कई बार खुद में खराब होना शुरू हो जाता है प्लस फिजिकल डैमेज हो सकते हैं इंसेक्ट डैमेज हो सकते हैं एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गिज्म लाइक बैक्टीरिया वायरस एंड फंगी ये तो सब हो ही सकते हैं है ना ये ध्यान रखिएगा सो so, ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं आपने क्या पढ़ा कि फूड स्पॉइलेज क्या है आपने ये पढ़ा कि फूड स्पॉइलेज किन किन कारणों से हो सकता है एंड आपने ये पढ़ा कि जब फूड आपका स्पॉइल हो जाता है तो उसकी में क्या चेंज आ जाते हैं हैं सो के जो चेंजेस वो भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में जब कोई एमसी आता है तो यही पूछ लिया जाता है कि अगर आपका फूड स्पॉइल हो गया है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो आपको वहाँ पे ऑप्शन को मैंशन करना पड़ता है कि या तो ऑल ऑफ द अबव या जो भी आपका मैंशन है ये आपको वहाँ पे क्लियर करना पड़ता है तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी आगे देखिए स्टूडेंट्स द स्पॉइलेज माइक्रोब कॉमन इनहेबिटेंट्स आर सॉइल वाटर और द इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ एनिमल और दे आर डिस्पर्स थ्रो द एयर एंड वाटर अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पे हैं है ना ये कहीं तो रहते होंगे ये कहीं तो उत्पन्न होते होंगे ठीक है ना चलिएगा मैम मेरा महापैक परचेस किया है प्लीज मुझे भी आप वाली क्लास में ऐड कीजिए मैम सो so, रमाकांत जी मैं आपको बता दूं कि आपने महापैक लिया है सो so, महापैक आपका टीजीटी पीजीटी वाला होगा सो डोंट वरी आपका ना बहुत जल्दी वैसे तो इकतीस से शुरू होने वाला था बट उसकी डेट थोड़ी आगे बढ़ा दी अभी आठ तारीख से आठ जून से आपका बिहार का बैच शुरू होगा एंड उसमें आपको खुद ब खुद मेरी क्लासेस शो हो जाएंगी तो आप वहाँ पे अटेंड कर लिया कीजिएगा एंड यहाँ पे शायद विशाखा है सो विशाखा भी महापैक वाली है सो so, वो भी डायरेक्ट वहीं पे क्लास को अटेंड कर सकती है तो जिन बच्चों ने महा पैक लिया है वो डायरेक्टली मेरी क्लास बिहार वाली क्लासेस में देख सकते हैं एंड मैं शुरू से वहाँ पे फिर पढ़ाना शुरू करूंगी ठीक है so, सो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट की जो स्पॉइलेज है है ना एंड मुझे लगता है स्टूडेंट के बीच बीच में सारे नोट्स ना टीचर को भी रिवाइज करते रहने चाहिए कि मतलब सेम सिलेबस नहीं रहना चाहिए अगर आप चार बार बैच पढ़ो तो चारों बार अलग कंटेंट रहना चाहिए सो so, वही सिद्धांत पे मैंने काम किया है कि मैंने सारे नोट्स बदल दिए हैं अब जब आप जो भी बच्चा दोबारा बैच में एडमिशन लेगा या जैसे विशाखा है आप रमाकांत जी हो गए ये जब दोबारा क्लास को अटेंड करेंगे शुरू से सो so, सारे नोट्स चेंज uh, मिलेंगे मतलब धीरे धीरे सारे नोट्स बदलती जा रही हूँ मैं क्योंकि फिर जब नया बच्चा नया लेवल नया कंपटीशन, सो हमें नई चीजों को पढ़ना है एंड मोस्टली चीजें बदल दी गई हैं ठीक है इनके कुछ कॉमन इनहबिटेंट्स होते हैं कुछ आवास होते हैं जहां पे आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये निवास करते हैं वो जगह कौन सी होती है स्टूडेंट्स पहली होती है सोइल यानी कि मिट्टी मिट्टी में आपके बैक्टीरिया निवास करते हैं ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा जो मिट्टी है मिट्टी में आपके बैक्टीरिया क्या करते हैं निवास करते हैं जल में आपके बैक्टीरिया निवास करते हैं एंड जानवर जो होते हैं जानवरों की जो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है उसमें भी बैक्टीरिया क्या करते हैं निवास करते हैं ठीक है ना प्लस इसके अलावा एयर में भी आपके बैक्टीरिया रहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके बैक्टीरिया हैं ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा आपका जो बैक्टीरिया है आपका जो मान लीजिए फंगस है ईस्ट है मोल्ड है ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपके फूड को स्पॉइल करती हैं या बहुत सारे आपके वायरसेस होते हैं जैसे आपके रोटा वायरस है ना आपके नोरो वायरस सो बहुत सारे मल्टीपल वायरसेस भी होते हैं और ये सब कहा निवास करते हैं इनका बेसिक आवास क्या है आवास के बारे में अगर मैं बात करू इनहेबिटेंट्स के मैं अगर मैं बात करूं तो आपका मिट्टी हवा ठीक है पानी एंड आपका जानवरों की इंटेस्टाइन इनमें सब जगह क्या रहते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ओके okay? आगे देखिएगा फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इंटेरिसिक फैक्टर एंड एक्सटेरिसिक फैक्टर अब यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जो फूड स्पॉइल होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को कैसे स्पॉइल करेंगे ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो अगर हम बात करते हैं फूड स्पॉइलेज की सो फूड स्पॉइलेज जब होगा और वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा कि जो आपके जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करेंगे आपके सूक्ष्म जीव जो आपके भोजन को खराब करेंगे कैसे करेंगे स्टूडेंट आपके दो तरीके के फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये ध्यान रखिएगा ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और दूसरी चीज क्या होती है फैक्टर so, होते हैं एक होता है एक्सटेरसिक एक होता है इंटेरसिक ठीक है ना सो so, ये दो फैक्टर क्या करते हैं फूड को स्पॉइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्यों क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं इन फैक्टर की वजह से ठीक है ना ऐसा क्यों होता है क्योंकि इन फैक्टर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है जैसे कि आपके इंटेर फैक्टर वो होंगे जो कि आपके कैसे प्रभावित करते हैं आंतरिक चीजों में मिलते हैं आपको कैसे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा जैसे कि पीएच ये आपके फूड के अंदर होती है ना वॉटर कंटेंट ये भी आपके फूड के अंदर चेंजेस आता है फूड का न्यूट्रिय कंटेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है ना एंड आपका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी ये सारे के सारे इंटेरसिक फैक्टर में आते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीके से आ चुका है कि एक तो इंटेरसिक फैक्टर होते क्या है और एक इंटेरिस फैक्टर इनमें से कौन कौन से हैं सो so, ये नोट्स भी मैंने बदल दिए हैं ऑलरेडी मैंने फूड फूडलेज वाला जो पोर्शन है वो कराया था यूजीसी वाली क्लास में पे वहां पर यूजीसी नेट का चैनल है एंड अब मैंने इसको उससे बिल्कुल बदल दिया है क्योंकि अगेन आपको पढ़ा रही हूं तो आपके लिए कुछ और नया ऐड होना चाहिए ठीक है सो इंटेरसिक फैक्टर में पी आती है वाटर आती है आपका वाटर एक्टिविटी न्यूट्रिय कंटेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी ये सारे सारी चीजें इंटेरसिक फैक्टर की कैटेगरी में क्यों है क्योंकि एक भोज्य पदार्थ के अंदर होती है।, है ना ये आप ध्यान रखेंगे कि जो सारी की सारी हैं, ये भोज्य पदार्थ के अंदर होती हैं, इसलिए हम इसको इंटेरसिक फैक्टर कह रहे हैं ठीक चलिएगा मैम जो टॉपिक पढ़ाया करें प्लीज़ उसके क्वेश्चन भी दे दिया करें एग्जाम में किस टाइप का पूछेगा प्लीज़ मैम ओके अनुपमा जी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा आपके इसके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं आपको इसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कराऊंगी ओके तो so, चलिए फैक्टर के बारे में बात करते हैं ये स्टूडेंट बाहरी कारक है पहले वाले जो है आपके वो आंतरिक कारक हैं ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा पहले वाले आपके आंतरिक कारक है। जो आपके दूसरे आप पढ़ रहे हो वो बाहरी कारक है बाहरी कारक क्या हो सकते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता प्रेशर यानी कि दबाव तो अब आप ध्यान से देख सकते हो कि आपके दो तरीके के फैक्टर से क्या डिपेंड करती है बैक्टीरिया ठीक है प्लस आपका मोल्ड वायरस इन सब की जो ग्रोथ है है ना जो इन सब की ग्रोथ है जो इन सब की क्या है स्टूडेंट वृद्धि है वो कितनी होगी वो इस बात पे निर्भर करेगा ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा जो आपकी इन सब की ग्रोथ है जो इन सब की वृद्धि है वो इन्हीं बातों पे निर्भर करेगी ओके okay, आगे देखिएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ऐसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया हैं, जो कि क्या करते हैं फूड को स्पॉइल करते हैं वो बैक्टीरिया आपके कौन कौन से हो सकते हैं सो so आपने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बारे में सुना होगा कौन बताएगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं ग्राम कि ग्राम बैक्टीरिया कौन सा कलर देता है आपको पता है ना कि जब आपकी ग्राम स्ट्रेनिंग होती है स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया होता है तो हम माइक्रोस्कोप से उसको जब देखने की कोशिश करते हैं तो हम एक ग्राम स्ट्रेनिंग टेस्ट होता है वो करते हैं है ना ये तो सब लोग जानते हैं, so, gram जब टेस्ट किया जाता है, तो उसमें एक बैक्टीरिया आपका क्या करता है थोड़ा वॉयलेट सा कलर करता है बैंगनी सा, एक होती है, उसके आधार पे हमने क्या किया है बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है क्या किया है स्टूडेंट के जो आपके बैक्टीरिया है आप क्या करते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं ग्राम so, पॉजिटिव नहीं आ रहा कि क्या, होते हैं, क्या होते हैं आपके लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है जानना कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है ये क्या होती है स्टूडेंट ये एक तरीके की बैक्टीरिया की स्ट्रेनिंग होती है है ना बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि क्या होती है स्टूडेंट आपके जो अगर आप देखोगे

ठीक है प्लस इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम एसपीपी नाम जरूर याद रखिएगा ठीक है ना सो so, एक हो गया स्टेफाइलो एक हो गया बेसिलस एक हो गया क्लोस्ट्रीडियम एक हो गया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ठीक है एक हो गया आपका ध्यान से देख लीजिएगा सारे के सारे हैं ल्यूको नोस्टॉक आपका एसपीपी सो so आपका एक नाम ये वाला हो गया एक हो गया स्टेप्टोकोकस एक हो गया स्टूडेंट आपका यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लीजिएगा एंड एक हो गया आपका यहाँ पे स्टूडेंट बेसीला ठीक है एक हो गया आप लोगों का माइक्रो बैक्टीरियम आपको याद रहने चाहिए ये नाम अगर आपको याद रहेंगे ठीक है ना चलिएगा सो यूपी टीजीटी में है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओके okay. सो so, अनुपमा जी चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव आर और... Type of ठीक है है ना आप ये समझिएगा कि आपकी दोनों किस में आती में आती आती हैं हैं जब होती वो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और जो बैक्टीरिया ग्राम स्ट्रेनिंग में आपका रेड कलर डेवलप करता है वो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है बस इतना आपको याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव क्या है ग्राम नेगेटिव क्या है अब आपको ये याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं सो so जितने भी आपके सारे के सारे मेंशन ये सारे के सारे क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है अगर आप इनकी लिस्ट भी बना लोगे ना अपने पास तभी भी आपको याद रहेगा कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं और वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की

आता है, gram कैसे so, गौतम जी, आप एक काम कीजिएगा कि आप अच्छे से पहले एक बार क्लास को अटेंड कर लीजिए क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि आप मेरे बैच में एडमिशन कैसे ले सकते हो ओके okay, खुशबू तो आप पहले पूरी क्लास को अटेंड करो और उसके बाद आप लास्ट तक बने रहना क्लास में क्योंकि लास्ट में ही मैं बताऊंगी कि आप कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं तो पहले क्लास को अटेंड कीजिएगा एंड लास्ट तक बने रहिएगा ओके अगर आपको मेरा मैसेज मिल गया है तो मुझे यस एंड नो में रिप्लाई कीजिएगा ओके मैम प्लीज हिंदी में डिफाइन कर दीजिए अनुपमा जी बैक्टीरिया का नाम हिंदी में भी यही रहेगा और इंग्लिश में भी यही रहेगा एंड जो ग्राम स्ट्रेनिंग होती है उसे हिंदी में भी ग्राम स्ट्रेनिंग कहते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसे ग्राम सकारात्मक और ग्राम नकारात्मक नहीं कहते उसे भी ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव ही कहते हैं एंड जो बेसिलस बैक्टीरिया है उसका नाम हिंदी में भी बेसिलस बैक्टीरिया ही होता है ओके सो स्ट्रेनिंग का मतलब होता है एक टेस्ट, एक टेस्ट कलर टेस्ट ओके कलर टेस्ट में बैक्टीरिया को जब टेस्ट किया जाता है तो वो कलर छोड़ता है एंड जब वो कलर छोड़ता है तो वो वॉयलेट कलर यानी कि बैंगनी कलर और वो लाल रंग छोड़ता है उसके आधार पर इन्हें पॉजिटिव एंड नेगेटिव में बांटा जाता है ओके okay, जी सो so, इतना आप ध्यान रखिएगा चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ठीक है चलो इसको ध्यान से देखो एग्जाम अभी कब है यूपी टीजीटी पीजीटी का भाई टीजीटी पीजीटी का एग्जाम अभी कुछ नहीं पता कब होगा कोई डेट नहीं है इसलिए आराम से तैयारी करते रहो जब उसके एग्जाम की डेट आएगी तो इतनी शांति नहीं रहेगी जब भी डी ट्रिपल एस बी और टीजीटी की डेट आती है ठीक है तो आपका ये समझ लो कि टहलका मच जाएगा क्योंकि वो बड़ा पेपर है ठीक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सचेस सेलमोनेला अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में क्या आता है आपका सेलमोनेला आता है शिजेला आता है क्योंकि ये आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट दो बैक्टीरिया है मोस्टली हर जगह इनसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है ना सो so, सेलमोनेला हो गया शिजेला हो गया विब्रियो हो गया ठीक है आपका एसकरोरेशिया हो गया ठीक है इसको भी याद रखना है आपको एसकरोरेशिया कोलाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसकरोरेशिया कोलाई से क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में बहुत बार एंड बच्चे इस बैक्टीरिया के नाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं सो so ये कोलाई बैक्टीरिया है आपका इसके अलावा कैपिलोबैक्टर ये इससे कम आता है क्वेश्चन कैपिलोबैक्टर जेजुनी एंड इसके अलावा आपका यर्सिनिया ये इंपॉर्टेंट नाम है ठीक है इसको आपको याद रखना है यर्सिनिया से क्वेश्चन आता है ठीक है एंटेरोकोलाइटिस एंड आपका ब्रुसेला

आपका यर्सिनिया इम्पोर्टेंट दैट्स इट इसके अलावा कोई बैक्टीरिया इनमें से इम्पोर्टेंट नहीं है जितने मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं बट बताना इसलिए जरूरी है कि अगर बाई चांस यूपी वाले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से ग्राम पॉजिटिव हैं और कौन से ग्राम नेगेटिव हैं जो कि चांसेस हैं कि पूछ सकता है क्योंकि पिछले पेपर्स में पूछा गया है कि इनमें से कौन से ग्राम पॉजिटिव में आते हैं कौन से ग्राम नेगेटिव में आते हैं तो वो फैक्टर आप लोगों का क्लियर रहना चाहिए इसलिए लिस्ट आप के पास होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो ग्राम पॉजिटिव में आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्लोस्पीडियम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना? प्लस आप लोगों का माइक्रोबैक्टीरियम बोविस बस ये दो नाम अगर याद रखोगे तो इनसे एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफी हेल्प हो जाएगी इससे ज्यादा आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए मोल्ड के बारे में पढ़ते हैं ठीक है हर बार और बहुत बार पूछता है मैम जी मैम ये दोनों यूपी टीजीटी में आते हैं येस yes, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में जरूर देखने के लिए मिलते हैं इससे क्वेश्चन सो so, मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं कि बिहार यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी हर बच्चा अगर इसको पढ़े तो उसकी हेल्प डेफिनेटली हो जाए ठीक है मोल्ड के बारे में बात करते हैं सो so मोल्ड्स क्या होती है स्टूडेंट फफूंद फफूंद होती है है एंड एक बड़ा मेजर फैक्टर आपके फूड को खराब करने का ठीक है ना एंड ये बैक्टीरिया से और दो कदम आगे होती है यानी कि बैक्टीरिया की तो फिर भी कुछ लिमिट्स होती हैं कि चलो ऐसा नहीं हुआ तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा वैसा नहीं हुआ तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा ये तो कैसा भी हो या कैसा भी ना हो ये तो ग्रोथ कर ही लेती है ओके okay? ये इसकी खासियत होती है चलिए ध्यान से देखिएगा मोल्ड आर द मोस्ट कॉमन फूड स्पोयलेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका जो मोल्ड होते हैं ये काफी कॉमन फूड स्पोयलेज कॉजिंग होते हैं समझिए इनको अच्छे से मोल्ड होते हैं ये क्या होते हैं आपके काफी मोस्ट कॉमन स्पॉयलेज कॉजिंग एजेंट होते हैं जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं मोल्ड ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ फूड ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो मोल्ड है वो आपके फूड की सरफेस पे ग्रो करता है ना कि फूड के अंदर ये ध्यान रखिएगा हमेशा ऑलवेज कि बैक्टीरिया कहाँ ग्रोथ करता है आपके फूड के अंदर ग्रोथ करता है एंड मोल्ड कहाँ ग्रोथ करती है सरफेस पे ग्रो करती है मोल्ड्स कभी भी अंदर नहीं जाएगी ओके okay, आप घर पे एक डाल लेना एक कटोरी है ना प्रैक्टिकल करके देखो दाल लेना एक कटोरी और जैसे आजकल बहुत गर्मी है तो दाल को सुबह में कुक करो मॉर्निंग में और उसे फ्रिज में मत रखो ना ही उसे गर्म करो केवल उसको कटोरी में करके किचन में रख दो किचन का टेम्परेचर वैसे भी हाई रहता है ठंडा तो रहता नहीं किचन का टेम्परेचर क्यों अगर किचन में फ्रिज है तो फ्रिज है वहां पे अगर तो फ्रिज से गैस निकलती है है ना फ्रिज से गैस निकलती है वो बाहर की ठंडक लेता है आपकी जो अंदर की गर्मी है उसको वो बाहर की तरफ छोड़ता है आप फ्रिज का पिछला हिस्सा देखिएगा जहाँ कंप्रेसर लगा हुआ होता है वहां पे इतनी ज्यादा गर्माहट आपको देखने के लिए मिलेगी सो so, किचन का टेम्परेचर और लेजी ज्यादा होता है वहां पे खाना बनता है तो गैस रहती है वहां पे है ना क्योंकि गैस यूज होती है स्टोव यूज होता है सो so, वहां पे दाल को रख दीजिए दाल शाम तक इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि उसमें बिल्कुल बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे उस पर ग्रीनिश एक फंगस आनी शुरू हो जाएगी एंड वो फंगस सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगी अंदर बिल्कुल नहीं रहेगी ठीक है सो so, ये बेसिक प्रैक्टिकल है जो हम अपने घर में कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपके फूड के सरफेस पे मोल्ड ग्रो करता है बैक्टीरिया फूड के अंदर ग्रो करता है ठीक है ना यस yes, अनुपमा जी कि आपके जो मोल्ड होते हैं यानी कि जो फंगस होती है स्किन डिसीज के लिए सबसे ज्यादा फंगस रिस्पॉन्सिबल होती है जो आपकी स्किन डिसीज होती है वो आपकी फंगस की वजह से ही होती है ठीक है दे रिक्वायर फ्री ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ और ये ध्यान रखिए स्टूडेंट इन्हें वृद्धि के लिए मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ठीक है ना इन्हें जहां जहां ऑक्सीजन मिलेगी ये वहां वहां करती रहेंगी ग्रोथ इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी कुछ हो या ना हो इन्हें ग्रोथ से मतलब है तो इन्हें जहां भी फ्री ऑक्सीजन मिलेगी ये ग्रोथ करना शुरू कर देंगी भी जो आपके फंगस लगती है वो ऊपर ऊपर लगती है, है, ना? And कहती है इसे ऊपर से हटा दो एंड नीचे से तो अचार सही निकलेगा ये हर मम्मी का बड़ा कॉमन डायलॉग है वो ये ही कहती है इसे ऊपर ऊपर से हटा दो है ना इसके नीचे तो बिल्कुल ठीक निकलेगा ठीक तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं कि जो फफूंद होती है जो मोल्ड होती है इनकी पीएच में भी वेरिएशन है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में देखो बैक्टीरिया ना एक न्यूट्रल पीएच पे बड़ा अच्छा ग्रोथ करता है ठीक ये ध्यान रखेंगे जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है एक न्यूट्रल पी पे काफी अच्छी ग्रोथ करता है जबकि फंगस की एक खासियत होती है कि वो कम पी पे भी ग्रोथ कर लेती है जबकि ये क्वालिटी बैक्टीरिया में नहीं होती, चाहिए होती है और उसी फ्रेंडली पीएच पे आपका बैक्टीरिया ग्रो करता है।, आपकी जो होती है वो आपकी दो से लेकर आठ पॉइंट पांच इस वाली पीएच पे भी ग्रोथ कर सकती है सो आपके टू वाली पीएच पे बैक्टीरिया कभी भी ग्रोथ नहीं करता ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका क्या आता है यहाँ पे यहाँ पे जो आपका टू वाला जो आपका फैक्टर है जो टू वाली पीएच है टू वाली पीएच पे कभी भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता बट टू वाली पीएच पे आपकी जो मोल्ड होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं तो सोचिएगा इनके लिए कोई पीएच की लिमिटेशन नहीं है कि भाई इस पीएच एच पे ग्रोथ नहीं कर सकते बट द मेजोरिटी ऑफ दैम प्रेफर एसिडिक पीएच पर ज्यादातर जो आपका मोल्ड डेवलप होती है वो किस पे होती है एसिडिक पीएच पे डेवलप होती है सो so, यहाँ से बन जाता है आप लोगों के लिए एग्जाम का एमसीक्यू कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ज्यादातर जो आपकी क्या होती है ज्यादातर जो आपकी ये फफूंद होती है जिसे फंगस कहते हैं सो फंगस ज्यादातर किस पीएच पे ग्रोथ करती है जैसे कि आपको ये पता चल गया कि बैक्टीरिया जो ज्यादातर ग्रोथ करता है वो आपका न्यूट्रल पीएच पे करता है 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 ना एक एमसीक्यू आपका ये तैयार कि जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया ज्यादातर जो ग्रो करता है वो आपके एक न्यूट्रल पीएच पे करता है, आपकी जो फंगस ग्रो करती है वो एक एसिडिक पीएच पे ग्रो करती है ठीक है ये आपका क्वेश्चन और तैयार हो गया है सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा यस और नो अभी तक क्लियर है स्टूडेंट्स मैम क्या ये सही है कि अचार ऊपर से हटा के यूज कर सकते हैं अनुपमा जी देखो अचार ना जल्दी से खराब नहीं होता क्योंकि अचार में तेल होता है नमक होता है कई बार सिरका भी होता है चीनी भी होती है सो so अचार में अगर ऊपर ऊपर फंगस लगनी शुरू हुई है तो आप उसे हटा के यूज कर सकते हैं बट अगर वो काफी लंबे समय से लगी हुई है तब आपको उसको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि तब वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है ओके शालू शायद जो लोग क्लास चल रही है इसलिए जो लोग वहां देख रहे हैं उनके कमेंट हमें नहीं दिख रहे यस आपको मैं बता दूं कि जो क्लास है ना वो दो जगह चल रही है एक चल रही है आपकी टीचर अड्डा पे एक चल रही है आपकी टीजीटी पीजीटी अड्डा पे दोनों जगह चल रही है सो अनुपमा जी जो है वो दूसरी वाली क्लास में है एंड आप लोग दूसरी वाली क्लास में हो सो so, इस वजह से आपको जो कमेंट है वो शो नहीं हो रहे हैं ठीक है ठीके? एक दूसरे के कमेंट तो कि विशाखा शालू अर्चना जी ये एक ही क्लास में है संध्या जी तो इन्हें आपस में कमेंट जो है वो शो हो रहे हैं ठीक है ना चलिए आगे देखिए मोल्स कैन ग्रो एट वेरी लो वॉटर एक्टिविटी लेवल जीरो टू जीरो सो आपके जो ये क्या होते हैं फफूंद होते हैं पफूंद की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें वाटर कंटेंट काफी कम होता है ये उनमें भी ग्रो कर लेते हैं समझ रहे हो डिफरेंस कि आपके जो मोल्ड होते हैं ये क्या करते हैं स्टूडेंट जो आपका बहुत कम वाटर लेवल होता है जिन चीजों में ये उनमें भी ग्रो कर सकते हैं जबकि बैक्टीरिया में ये क्वालिटी नहीं होती आप जानते हो बहुत अच्छे से कि जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया में ये क्वालिटी नहीं होती बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए स्टूडेंट आपका वाटर कंटेंट उसके लिए जरूरी है कि उसे नमी मिले जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो कब ग्रो करता है जब उसे मिलती है नमी और यहाँ पे मोल्ड की खासियत ये है कि उसे किसी नमी वमी की जरूरत नहीं है जिन चीजों में बिल्कुल लो वाटर लेवल होता है ये उसमें भी ग्रो कर लेती है जैसे कि 0.7 से 0.8 का वाटर लेवल काफी कम वाटर लेवल है ना ये इसमें भी ग्रो कर लेगी आप ये समझ लो ठीक है ऑन ड्राइड फूड बीन्स पीनट एंड सम स्पाइसेस और इसके अलावा जो आपके सूखे भोज्य पदार्थ होते हैं ना ध्यान से देख लीजिएगा ये आपके क्या होते हैं जो सूखे भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे कि आपका ग्रेन्स बीन्स पीनट एंड स्पाइसेस यानी कि मसाले है ना इनमें भी क्या होती है स्टूडेंट ये ग्रो कर लेती है ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा आपके ग्रेन्स हो गए बीन्स हो गए पीनट्स हो गए सम स्पाइसेस हो गए इनमें भी ये क्या कर लेते हैं स्टूडेंट ग्रो कर लेते हैं बहुत ईजीली सो इन्हें अपने ग्रो होने के लिए इन्हें कोई पानी वानी की चिंता नहीं है किसी इन्हें पी एच की चिंता नहीं है ये हर तरह से ग्रो करने के लिए क्या रहते हैं तैयार रहते हैं क्लास की टाइमिंग क्या है सो टारगेट वन प्लस जी मेरी क्लास जो चलती है मॉर्निंग में सुबह नौ बजे चलती है सो आप सुबह सुबह नौ बजे मेरी क्लास में रोज एंटर हो सकते हैं एंड रोज क्या कर सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे देखिए स्टूडेंट द मोस्ट कॉमन फूड स्पॉइलेज कॉजिंग मोल्ड्स आर म्यूकर एस्पार्जुलस राइजोपस पैनसीलियम अल्टरनेरिया ब्रोथसाइटिस एंड आपका ये जितने नाम यहाँ पे मेंशन है आप देखो मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको ये पूरी की पूरी क्या करूंगी स्टूडेंट्स आपको आ, अच्छे से ये सारे नाम जरूर याद करवाऊंगी अच्छे से आपको सारी चीजें जरूर बताऊंगी तो यहाँ पे आप उन डिफरेंट डिफरेंट फंगस के नाम याद कर सकते हो उन मोल्ड्स के नाम याद कर सकते हो जो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके फूड को स्पॉइल करने के लिए ठीक है ना चलिएगा सो ध्यान से देखिएगा आपके वो मोस्ट कॉमन स्पॉइलेज वाले मोल्ड्स कौन से हो सकते हैं पहला है स्टूडेंट म्यूकर एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेके इसका नाम आपको ध्यान रखना है ठीक है ना म्यूकर जो है एग्जाम को लेके इंपॉर्टेंट है इसका नाम आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है इसका नाम भी आपको याद रखना है जो एस्पार्जिलस है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है म्यूकर इजिली आपका याद हो जाएगा आपको ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है राइजोपस ये आपका इंपॉर्टेंट है ठीक है थर्ड आपको ये याद रखना है ठीक है पैनसीलियम एंड आपका अल्टनेरिया एंड आपका ब्रोथिटिस एंड आपका बाइसो कैलमीज एंड फूसेरेरियम सो so, यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है फूसेरियम ये आपका इम्पोर्टेंट है ये तीन चार नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जानने और आप इन्हें जरूर याद रखेंगे ओके सो ये आपको यहाँ पे पता चल रहा है स्टूडेंट के मोल्ड के भी इतने सारे नेम होते हैं एंड इनमें से जनरली जो आपने सुने होंगे आपने म्यूकर एंड राइजोपस सुने होंगे ऐसा ही होगा ना कि ज्यादातर जो आप लोगों ने नेम सुने होंगे इनके वो कौन से होंगे म्यूकर हो सकता है एस्पार्जिलस हो सकता है राइजोपस हो सकता है यही आपने सुना होगा ठीक है सो यही आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं ओके, okay, सो so के बारे में आप लोगों को अगर इतना क्लियर है सो वेल एंड गुड अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके आगे का कंटेंट हम लोग कल कवर अप करेंगे क्योंकि अभी लंबी कहानी बाकी है अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है इसमें कि और कौन से हमारे जितने भी मान लीजिए जो वायरसेस है वो कैसे एंटर होते हैं ईस्ट कैसे एंटर होता है है ना आपके जो बैक्टीरिया है वो किन कंडीशंस में एंटर होते हैं सो so, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि गुड न्यूज है आप लोगों के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो गुड न्यूज क्या है स्टूडेंट्स चलिए वो आपको बता देती हूँ अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को बिहार के एग्जाम की जो आपका एक 11 से बारह वाला वर्ग है इसकी तैयारी करनी है सो so आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है अड्डा ट्वेंटी जब आप सर्च करेंगे सो आपको यहाँ पे अड्डा लीडिंग लार्जेस्ट गवर्नमेंट जॉब प्लेटफॉर्म आपको इस तरीके का एक विंडो ओपन होकर दिखेगा जब ये विंडो ओपन होगा आपको ऑल यहाँ पे आपको ये आप तो आप सारी की सारी चीजें मेंशन है अब देखिए मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि अगर किसी को सिर्फ स्पेसिफिक बिहार की ही तैयारी करनी है तो वो क्या कर सकता है स्टूडेंट्स वो ध्यान से देखेगा कि अगर उसे सिर्फ करनी है बिहार की तैयारी ठीक है ना तो आपको बिहार के सारे बैचेस देखिएगा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे ठीक आपको जितने भी बैचेस हैं बिहार के वो यहाँ पे आपको देखना शुरू हो जाएंगे ठीक है ना सो so, जो बिहार का पर्टिकुलर बैच लेना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स टीचिंग एग्जाम पे जाना है उन्हें ठीक है ना आपका बिहार के देखिएगा आपको ये सारे के सारे एग्जाम्स की यहाँ तैयारी कराई जाती है ठीक सो so, आपको डिफरेंट डिफरेंट बैचेस देखिए यहाँ पे मिल जाएंगे आपको प्राइमरी के मिल जाएंगे आपको सेकेंडरी लेवल के मिल जाएंगे ठीक बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपके पास सबसे बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो सारे के सारे एग्जाम्स की चाहे वो यूपी का एग्जाम हो चाहे वो आपका स्टूडेंट मान लीजिए बिहार का एग्जाम हो है ना कोई भी एग्जाम क्यों ना हो तो आप क्या कर सकते हैं जो टीचिंग का महापैक है आप वो ले सकते हैं और ये टीचिंग का महापैक लेने के लिए आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि इस वाले महापैक में आपको सारे कोर्सेज एक्सेस करने के लिए मिल जाते हैं ठीक ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें सारे के सारे के जो आपके कोर्सेज हैं जितने भी कोर्सेज टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है आप वो सब एक्सेस कर सकते हैं सो so, आपको मोर ऑफर पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको कूपन कोड अप्लाई करना है स्टूडेंट एंड मेरा कूपन कोड क्या है आप ध्यान से देख लीजिए वाई पांच सौ सो आप क्या करेंगे स्टूडेंट आपको लगाना है यहाँ पे कोड कोड है मेरा वाई एंड देन फाइव सेवन वन जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको ये मिल जाएगा लगभग तीन हजार दो सौ पैंसठ रुपए में एंड इस फीस में आप अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो यानी कि आपको जितने भी एग्जाम आपको तैयारी करनी है चाहे वो यूपी का टीजीटी हो यूपी का पीजीटी हो है ना या फिर आपका बिहार का एग्जाम हो ये सारे एग्जाम की तैयारी आप सब क्या कर सकते हैं एक साथ कर सकते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा ठीक है ना सो so आपके पास इतने सारे ऑप्शन तैयारी करने के लिए प्लस यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ स्टूडेंट्स और जो की आपके लिए ये है कि अगर आप क्या चाहते हैं भाई अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक तैयारी करें अपने होम साइंस की जो कि बिहार के लिए है है ना तो आज आपको यहाँ पे भी एक ऑफर मिल रहा है वो ध्यान से देखिएगा आप क्या कर सकते हैं आपको एक पूरा कंप्लीट बैच मिल रहा है जिसमें आपका पेपर वन एंड पेपर टू आपको मिल जाएंगे सो ये स्पेसिफिक आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए होम साइंस के लिए आपका बिहार का बैच है इस पर आपको क्या करना है आपको मोर ऑफर पे क्लिक करना है आपको अगेन यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट कूपन कोड लगाना है जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाते हैं वाई ठीक है 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 इसको करते करते ही ही आपको 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 क्या क्या देखने के लिए मिलेगा आपको क्या करना है? करना इसे ये आपको मिल जाएगा 2299 में so, इससे आप बिहार की पेपर वन एंड पेपर टू दोनों की तैयारी कर सकते हैं प्लस मैं आपको बता दूं कि ये डबल वैलिडिटी में आपको मिल रहा है आज तो अगर आप छह महीने के लिए इस बैच को लेते हैं तो छह महीने और एडिशनल आपके प्लस हो जाएंगे ओके सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना एंड अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मेरी क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग में नौ बजे है मेरे साथ जुड़ना ना भूले बाय तो टेक केयर